शिवजी का भक्त रावण शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया? यदि रावण शिव जी का इतना बड़ा भक्त था तो फिर सीधा स्वयंवर में वह शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अपने बल से रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तब शिवजी ने अपना एक अंगूठा कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिस कारण रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया और तब से उसने शिवजी की भक्ति शुरू कर दी। और ऐसा कहा जाता है, इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसका उठाने के लिए निराहंकार और प्रेम की आवश्यकता थी। और जब रावण इस धनुष को उठाने आया तो उसके मन में बहुत ही अहंकार था। उसके मन में भगवान शिव के धनुष के प्रति सम्मान कम था और खुद के प्रति अहंकार ज्यादा था। और इस धनुष को उठाने के रावण जितनी शक्ति लगाता था, यह धनुष उतना ही भारी होता जाता था। और फिर रावण इस धनुष को उठाने में असफल हो जाता है। लेकिन प्रभु श्री राम को अच्छे से पता था कि यह शिवजी का धनुष है, इसलिए उन्होंने सम्मान के साथ इस धनुष को प्रणाम किया और फिर उसे उठा लिया और उस पर परताचा चढ़ा दी, जिससे वह धनुष टूट गया।